नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइटेक लर्न टुडे फॉर टुमारो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहरीन वीज़ा के स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक करें उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप बहरीन में जॉब के लिए आना चाहते हैं और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप वीज़ा आप किसी कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी एजेंट को आपने अप्लाई किया अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है या फिर किसी कंसल्टेंसी से आना चाहते हैं और आपको लगता है कि वीज़ा मिलने में काफ़ी लेट हो रहा है, आपको प्रॉपर अपडेट नहीं मिल रहा है उनसे, तो आप उसके स्टेटस को खुद ही कैसे ऑनलाइन चेक करें उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उसके लिए जो है आपको गूगल में सिर्फ टाइप करना है LMRA और LMRA लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही जो आपको पहला रिज़ल्ट आएगा आप देख सकते हैं ऊपर LMRA.BH, ये जो है यहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट है LMRA की, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप जो है LMRA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल ऊपर करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे का ही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ कुछ चार ऑप्शन मिल रहा है, आइडेंटिटी कार्ड, वर्क परमिट, एप्लीकेशन आईडी और पासपोर्ट। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी बहरीन में रह रहे हैं और आपको अपना वीज़ा का स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, इसको हम CPR कार्ड बोलते हैं बहरीन में, जो ऑलरेडी यहाँ पर रहता है उसको एक CPR कार्ड मिलता है, आइडेंटिटी कार्ड होती है वो, आप आइडेंटिटी कार्ड पर क्लिक करके और उसके बाद जो है यहाँ पर उसके नंबर को एंटर करके और चेकबॉक्स पर कैप्चा को क्लिक करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल आपके सामने शो करेगी आपके वीज़ा का स्टेटस क्या है। इसके बाद जो है दूसरा है वर्क परमिट, अगर आपके पास ऑलरेडी जो है आप बहरीन में हैं, आपको वर्क परमिट अलॉट हो गया है तो उसके नंबर से भी आप अपने वीज़ा का डिटेल चेक कर सकते हैं। सेम वर्क परमिट पे क्लिक करेंगे, वर्क परमिट नंबर एंटर करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और दूसरा क्या है कि अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हो तो जो एप्लीकेशन आईडी होती है उसको आप एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करेंगे। सेम क्लिक करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन आईडी नंबर यहाँ पर एंटर करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और सर्च पे क्लिक करना है, डिटेल आपके सामने आ जाएगी। और तीसरा क्या है कि अगर आपके पास ये तीनों डिटेल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके जो है जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने पासपोर्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जो है आप कंट्री यहाँ पे चूज़ करेंगे, जो भी कंट्री आपकी है, अफगानिस्तान या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी कंट्री है वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद जो है आप आई एम नॉट रोबोट एंड चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करते ही आपके वीज़ा की डिटेल आपके स्क्रीन पे शो कर जाएगी, आप देख पाएंगे कि आपके वीज़ा का स्टेटस क्या है, वैलिड है या वीज़ा इन प्रोग्रेस है या कैंसिल्ड हो गया है, आपका हेल्थ केयर स्टेटस क्या है, सब कुछ आप उस वीज़ा आप उस स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं ऑलरेडी बहरीन में रह रहा हूँ तो मेरे पास CPR कार्ड है, सो आप आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है पर्सनल नंबर डालेंगे यानी कि CPR नंबर जो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, दोस्तों मैंने अपना जो है CPR नंबर एंटर कर दिया है यानी आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा आई एम नॉट रोबोट, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सर्च पे क्लिक करते ही जो है यहाँ पे जो डिटेल्स है एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय डिटेल्स वो आपके सामने सब कुछ शो कर जाएगा, लीगल स्टेटस यानी कि वैलिड वीज़ा है कि नहीं है या वीज़ा जो भी है वो आप देख सकते हैं, और आपका नाम, ऑक्यूपेशन, आपके एम्प्लॉयर का क्या नाम है, जो मंथली फीस पे करनी होती है वो पेड है कि नहीं पेड है, हेल्थ केयर स्टेटस क्या है, आप फ्लेक्सिबल वर्क परमिट के लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं, ये सब आप देख पाएंगे। सो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने वीज़ा का स्टेटस ऑनलाइन आप CPR के थ्रू चेक कर सकते हैं। चलिए मैं पासपोर्ट नंबर भी एंटर करके आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए आप अभी बहरीन में नए हैं, आपके पास केवल पासपोर्ट नंबर ही है तो उसके थ्रू आप चेक कर पाएंगे कि वीज़ा का स्टेटस आपका क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कर लिया है और जो है अपनी कंट्री सिलेक्ट करके आई एम नॉट रोबोट चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद क्लिक करने के बाद सिंपल आपको सर्च पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई किए हुए आप इंडिया में हैं या फिर किसी और कंट्री में हैं, आपके आपको अपने वीज़ा का स्टेटस चेक करना तो आपके पास सिर्फ पासपोर्ट नंबर होगा,
तो उसके थ्रू ही आपको चेक करना है। तो आप सिंपली पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे और कंट्री सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे। देखिए सेम डिटेल जो है आपके सामने दोबारा आ जाएगी, आप देख पाएंगे कि आपका जो वीज़ा का स्टेटस है वो क्या क्या है, प्रोसेस में है कि अप्लाई ही नहीं हुआ है। अगर नहीं है तो आपको कोई डिटेल शो नहीं करेगा, अगर अप्लाई हो गया है प्रोसेस में है तो भी यहाँ पे आप देख पाएंगे। और कोई इशू है, कोई चीज़ मान लीजिए कि पेंडिंग में है, अपडेट नहीं हुआ है या फिर कुछ भी बाकी है, सो आप यहाँ पे सारे डिटेल चेक कर पाएंगे। सो दोस्तों इस तरह से जो है आप अपने वीज़ा का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप बहरीन में जॉब के लिए आना चाहते हैं या फिर आप बहरीन में हैं और आपके अपने वीज़ा का स्टेटस को चेक करना है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।